बताने वाला हूँ कि आप किस तरह इस किसी भी वीडियो में जिसमें आप चाहते हैं टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। दोस्तों जी हाँ, फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में अपने ही कुछ बहुत ही जबरदस्त टेक्स्ट इफेक्ट्स उन्होंने दिए हुए हैं, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि आप वो कैसे करेंगे। दोस्तों मान लीजिए कि आपको अपनी वीडियो में टेक्स्ट को ऐड करना है, तो ये लीजिए मैंने अपनी वीडियो को प्ले करा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा नाम लिखा है ताहा नजीर, तो आप उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली जहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं पहले वीडियो को प्ले कीजिए। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, तो ये लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पर आ चुका है गाइज। अब आपको जाना है टाइल्स वाले पोर्शन में, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको टाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इतने जबरदस्त और इतने मजेदार से आपको यहाँ पर टेक्स्ट मिलते हैं कि यार मैं क्या कहूँ। अब आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपको इसमें बने बनाए टेक्स्ट मिल जाते हैं, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो गाइज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी यार मैं एक ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कौन सा लूँ, लोअर थर्ड को ही ले लेता हूँ। तो गाइज ये मैंने दोस्तों मान लीजिए कि मैंने ये टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है, तो सिंपली मैं इसको ड्रैग करूंगा और यहाँ पर जहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ वहां पर ड्रॉप कर दूंगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्रॉप हो चुका है, अभी मैं आपको प्ले कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है ये मेरे बोलते बोलते ये टेक्स्ट आया। तो अगर आप इसे सेट करना चाहते हैं तो आप इसे, यानी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा नीचे हो ये, तो ये लीजिए मैंने इसे यहाँ पर कर दिया और टेक्स्ट को यहाँ पर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर यूर हेडलाइन हेयर की जगह आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने टेक्स्ट पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं यूर हेडलाइन हेयर, आपको इसे रेज कर देना है। रेज करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ताहा, यहाँ पर आपको मैं टाइप कर देता हूँ टीवी। जी हाँ गाइज ये लीजिए मैंने अपने चैनल का नाम जो है टाइप कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इसके फॉन्ट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये रख लेता हूँ, तो गाइज आप यहाँ से राइटिंग वगैरह भी बड़ी कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह भी बड़ा कर सकते हैं, तो ये ज्यादा ही बड़ा हो गया कुछ। तो यहाँ से मैं रखता हूँ कुछ सिंपल सा, ये लीजिए गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं फिट जो है वो आ चुका है। यहाँ पे भी आपको कुछ बने बनाए खूबसूरत से जो है टेक्स्ट दिए गए, आप यहाँ से भी यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लगाना चाहता और ओके कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला टेक्स्ट जो है वो ऐड हो चुका है। दोस्तों अभी मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। और GTA San Andreas पुरानी गेम्स हैं, जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पुरानी गेम है और इनमें कार्स को भी पुराने मॉडल ही यूज किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट जो है वो बहुत ही आसानी से ऐड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत मजेदार और टेक्स्ट मिल जाते हैं, आप यहां से कोई भी चूज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत जबरदस्त यहां पर टेक्स्ट है, आपको सिंपली ड्रैग और ड्रॉप करना है और ये लीजिए मैंने यहां से प्ले करा। तो अगर आप यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का है, अगर आप डबल क्लिक करके यहां से आपको यूआर वगैरह रेज करके यहां पर अपना नाम जो है वो टाइप कर देना है गाइस। उसके बाद दोस्तों यहां पर बात आ जाती है अगले सेक्शन की, तो वो है ट्रांजिशन। जी हाँ दोस्तों ट्रांजिशन बहुत ही कमाल की एक मतलब कि वीडियो को और खूबसूरत बनाने में मदद करती है। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रांजिशन आपको कैसे ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे वीडियो में चलते चलते कोई तस्वीर आए लेकिन वो आए ट्रांजिशन से, तो दोस्तों यहाँ पर पहले मैं कोई भी तस्वीर को ले लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये तस्वीरें वगैरह कुछ पड़ी हैं, तो मैं सिंपली ये वाली कार को चलिए मैं ले लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जगह पर जो है मेरे तस्वीर आए, तो दोस्तों सिंपली मैं इस तस्वीर को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, इतना तो आपको पता ही चल ही जाएगा। दोस्तों अगर आप इस तस्वीर को चाहते हैं छोटा बड़ा करना, तो सिंपली आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे छोटा कर लिया और मैं अभी यहाँ चाहता हूँ कि मेरी वीडियो में चलते चलते ये आए लेकिन ट्रांजिशन से, तो दोस्तों आपको सिंपली ट्रांजिशन पर आ जाना है और आने के बाद आपको यहाँ से बहुत सारी ट्रांजिशन मिल जाएंगी, आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये ट्रांजिशन सिलेक्ट कर रहा हूँ और दोस्तों आपको इसे ड्रैग कर लेना है, जहां पर भी आपको इसे लगाना है उस पर लगा के आपको इसे ड्रॉप कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं प्ले कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में आपको ये तो गाइज आप देख सकते हैं कि बताने वाला हूँ कि आप ये जो है मेरे सामने आ चुकी है बिल्कुल ट्रांजिशन के हिसाब से। तो अगर आप अभी तक इन गेम्स के फैन हैं तो आज इस वीडियो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी ट्रांजिशन जो है ऐड हो चुकी है यहाँ पर, तो आपको सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इनका टाइम कम करना चाहते हैं तो आप इसको कम कर सकते हैं और मैं यहाँ पर प्ले कर लेता हूँ।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मेरा काम हो चुका है। यहाँ पर ट्रांजिशन जो है वो ऐड हो चुकी है। आपको बहुत सारी ट्रांजिशन यहाँ पर मिल जाएंगी, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला सेक्शन जो है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 3D वगैरह भी यहाँ पर मिल जाती है आपको। और अगला सेक्शन जो है दोस्तों इफेक्ट्स का है। इफेक्ट्स में दोस्तों आपको बहुत ही कमाल के मिल जाते हैं। अगर आप अपनी वीडियो में कोई इफेक्ट वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे गाइज। गाइज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इस इफेक्ट को लगाना चाहता हूँ, ये ब्लू वाला इफेक्ट जो है, तो मैं सिंपली इसको ड्रैग करूंगा और वीडियो में लाके ड्रॉप कर दूंगा। गाइस यहाँ पर जिस पार्ट में मैंने लगाया है उस पार्ट पर जो है मेरी वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है गाइस। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से कोई भी यहाँ से फिल्टर वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही कमाल के यहाँ पर आपको इफेक्ट्स मिल जाते हैं बहुत ही मजेदार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेम बहुत ही जबरदस्त आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं चलिए ये ऐड कर लेता हूँ और ये लीजिए गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी वीडियो और खूबसूरत होती जाएगी अगर आप इफेक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे। दोस्तों अगली बात जो हम कर लेते हैं एलिमेंट्स की, तो दोस्तों यहाँ पर एलिमेंट्स में आपको एरो कॉल आउट के फंक्शन मिल जाते हैं और इमोजीज वगैरह मिल जाते हैं और आपको बहुत ही मजेदार जी है चीजें मिल जाती है यहाँ पर एलिमेंट्स में गाइस। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इमोजीज वगैरह है यहाँ पर। चलिए मैं आपको एक आधा प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर इसे रखा और मैं ऐसे प्ले करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक इमोजीज है, आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप जहाँ भी लगा सकते हैं जहाँ। तो यहाँ पर ये भी कुछ है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये लीजिए आपको इमोजीज मिल जाते हैं, ये कुछ आपको फंक्शन वगैरह मिल जाते हैं, कोई कॉल आउट फंक्शन मिल जाता है आपको, बहुत ही मजेदार यहाँ पर चीजें मिल जाती हैं। यहाँ पर एरो वगैरह मिल जाते हैं, अगर आप किसी चीज की तरफ कॉल आउट करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। दोस्तों ये जहाँ पर नीचे आपको मिल जाता है कर्सर वगैरह, यहाँ पर आपको और भी बड़े मजेदार जो है मिल जाते हैं इफेक्ट्स एलिमेंट्स वगैरह। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप कोई भी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसे ड्रॉप कीजिए यहाँ पर। तो गाइस अभी मैं आपको प्ले करता हूँ, तो ये लीजिए कितना मजेदार जो है ये देखिए इफेक्ट है एलिमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको कुछ और भी एडवांस्ड ऑप्शन मिल जाते हैं। मान लीजिए कि मैंने अपनी इस वीडियो को थोड़ा सा क्रॉप करना है, तो मैं सिंपली ये यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन भी मिल जाएगा, क्रॉप वाले ऑप्शन। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये लीजिए आप यहाँ से, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इतना क्रॉप करना चाहता हूँ अपनी वीडियो को और ओके कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्रॉप हो चुकी है। उसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको मिल जाता है बहुत सारे ऑप्शन और भी, स्पीड अगर आप वीडियो करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं गाइज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको, और दोस्तों अगर आप क्रॉप वाले ऑप्शन में जाएं तो आपको यहाँ पर जूम इन, पैन एंड जूम में आपको जूम इन वगैरह भी मिल जाता है, आप यहाँ से जूम इन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो सा दोस्तों मुझे सबसे अच्छा फंक्शन इसमें लगता है ना, वो यही है कि आप इसमें ग्रीन स्क्रीन भी रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो के पीछे ग्रीन स्क्रीन है, तब से मैंने इसे रिमूव नहीं किया, मैंने कहा चलो इसको एंड पे रिमूव करते हैं। तो गाइस ये लीजिए मैंने यहाँ पर एंड पे मैंने इसलिए रिमूव किया, तो सिंपली गाइस यहाँ पर मैं अभी आपको राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर भी ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो आपको यहाँ पर भी वीडियो वाले ऑप्शन में क्रोमा की, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमा की वाले ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुका है, अभी आपको मैं इसको ज्यादा करता हूँ, तो ये लीजिए मेरी ग्रीन स्क्रीन जो है वो रिमूव हो चुकी है गाइस। इसकी जगह मैं कोई भी बैकग्राउंड लगा सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक बैकग्राउंड ला रहा हूँ, तो ये लीजिए मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया और ये लगा दिया गाइस। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं लग चुका है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बाल जो हैं वो थोड़े से जो है ब्लर हो चुके हैं। तो अभी मैं इस वाले ऑप्शन को भी छेड़ लेता हूँ और इसको थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ, तो ये देखिए मेरे बाल आ चुके हैं सही। तो ओके कर देता हूँ, और अगर आप इसे इधर उधर वगैरह करना चाहते हैं यार तू तो मत हिल, ये लीजिए मैं अपनी वीडियो को इधर उधर वगैरह भी कर सकता हूँ अब। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसी तरीके से मैं अपनी वीडियो भी, अपनी वीडियो की ग्रीन स्क्रीन भी रिमूव कर लेता हूँ गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड को फुल बड़ा कर दिया है। दोस्तों उसके अलावा अगर आप वीडियो की ब्राइटनेस वगैरह भी कम ज्यादा करना चाहते हैं, उसके लिए सिंपली आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आप कलर में जा सकते हैं। कलर में जाने के बाद आप इसका टेम्परेचर वगैरह भी कम ज्यादा कर सकते हैं गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको टिंट वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाता है, और यहाँ पर कॉन्स्ट्रैक्ट, ब्राइटनेस, बहुत सारे ऑप्शन आप कोई भी चूज कर सकते हैं गाइस।
दोस्तों मेरे जो साथ है ना जो बिगिनर्स के लिए अभी इतना ही ठीक है, अभी आप इसमें एडवांस्ड भी आप एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए इतना ही सीखना बेहतरीन हो जाएगा गाइस। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।